नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है और ये आदेश NPS आच्छादित शिक्षकों से संबंधित है। जितने भी NPS आच्छादित शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनके प्राण आवंटन, किस तरह से प्राण आवंटन होगा, किस तरह से कटौती होगी, इसमें जो जो तकनीकी समस्या आती हैं उनके समाधान हेतु एक ऑनलाइन ट्रेनिंग आयोजित कराने के संबंध में ये आदेश है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये आदेश प्रेषित किया है वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने, और ये प्रेषित किया है सेवा में समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षक शिक्षा उत्तर प्रदेश। इसका पत्रांक है 2004-2080 और ये 2/8/2021 का आदेश है। इसका विषय है नई अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2005 या उसके पश्चात नियुक्त परिषदीय अशासकीय शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्राण आवंटन कटौती आहरण विषयक ट्रेनिंग आयोजित कराए जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक कृपया नई अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त परिषदीय / अशासकीय शिक्षकों / शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्राण अलॉटमेंट / पंजीकरण OPGM ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल प्राण आवंटन के सापेक्ष कटौती एवं प्राण खाते में जमा धनराशि के आहरण विषयक परिषदीय मुख्यालय के पत्रांक संख्या दी गई है। दिनांक 24 जून 2021 को प्रेषित किया जा चुका है। अवगत कराना है कि उच्चाधिकारियों द्वारा नई अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त परिषदीय / अशासकीय शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों के 100% प्राण आवंटन एवं कटौती कराए जाने के निर्देश दिनांक 28/6/2021 को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी दिए गए हैं। उक्त के संबंध में जनपदों से न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत पटल सहायकों द्वारा NPS कार्मिकों के प्राण अलॉटमेंट / पंजीकरण OPGM के माध्यम से करने में तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु NSDL एवं परिषद मुख्यालय के अध्यक्षता में एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, जो निम्नलिखित है। 5/8/2021 थर्सडे को 11 बजे से 1 बजे तक ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल से संबंधित ट्रेनिंग होगी, इसका लिंक दिया हुआ है। 6/8/2021 को फ्राइडे को 11 से 1 बजे तक सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन के बारे में ट्रेनिंग होगी। 7/8/2021 सैटरडे 11 से 1 बजे तक NPS विड्रॉल के बारे में ट्रेनिंग होगी। इन सभी के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो उससे ज्वाइन कर सकते हैं। अतः उपरोक्तानुसार समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि नई अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त परिषदीय अशासकीय शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्राण ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल प्राण आवंटन के सापेक्ष कटौती एवं प्राण खाते में जमा धनराशि के आहरण विषयक तकनीकी समस्याओं के निस्तारण हेतु उक्त आयोजित ट्रेनिंग में संबंधित अधिकारी / पटल सहायक दिनांक 5/8/2021 से 7/8/2021 समय 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित ट्रेनिंग में अपनी समस्याओं का एक चार्ट लेकर उक्त ऑनलाइन ट्रेनिंग में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। यह आदेश दिया है रविंद्र कुमार, वित्त नियंत्रक हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है प्राण के आवंटन में, किस तरह से धनराशि कटती है, वो सभी बारे में इसमें बताया जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।